ऑल राइट गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लावा ब्लेज प्रो 5G के बारे में। गाइस ये फ़ोन काफ़ी वैल्यू फॉर मनी देखने को मिल जाता है एंड स्पेशली फर्स्ट सेल में जो इसका प्राइस है वो गाइस काफ़ी कमाल का देखने को मिल जाता है। 12,500 में आपको ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा 8GB रैम 128GB के साथ में। अब दोस्त यहाँ पे इसके स्पेक्स की बात कर लिया जाता है, सो गाइस यहाँ पे आपको मिलता है LCD डिस्प्ले काफ़ी बड़ा सा ऑलमोस्ट 6.8 इंच का। इसके वजह से गाइस आपको एक दिक्कत आएगी, मार्केट में अगर आप जाएंगे इसका ग्लास ढूंढने टेम्पर ग्लास बेसिकली तो आपको नहीं मिलेगा, बहुत ही रेयरली किसी शॉप में मिल जाएगा, नहीं तो ये चांस ही नहीं है। क्योंकि गाइस इन्फिनिक्स के भी फोन्स का जो डिस्प्ले होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, ऑलमोस्ट इतना ही होता है, बट गाइस उनके भी ग्लास शॉप्स में ऑफलाइन बेसिकली देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पे एक ये इशू आपको देखने को मिलेगी। अब दोस्त फुल HD प्लस के डिस्प्ले होने के साथ साथ गाइस आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट भी इसमें देखने को मिल जाता है, जो कि गाइस काफ़ी सही देखने को मिल जाता है। एंड सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा इसके सॉफ्टवेयर के बारे में। भाई अगर आप इन्फिनिक्स हॉट 35G से कंपेयर करते हैं, क्योंकि इस ये जो इन्फिनिक्स हॉट 35G है वो भी सेम ही प्राइस में सेम ही स्पेक्स ऑलमोस्ट देखने को मिलता है, मतलब सेम ही कैमरा वगैरह सभी चीज़ें एग्जैक्टली आपको सिमिलर देखने को मिल जाता है, बट डेफिनेटली यहाँ पे कहा जा सकता है कि लावा ब्लेज प्रो बेटर हो जाता है। क्योंकि इसका जो सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाता है वो स्टॉक एंड्रॉयड है एंड यहाँ पे आपको कोई भी फालतू के ऐप्स एंड फालतू नोटिफिकेशन वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे एंड साथ ही इसे स्मूथनेस इसका काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है, इन्फिनिक्स से तो बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है भाई। अब दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट इसके स्पेक्स की बात कर ली जाए तो इसमें आपको LPDDR4X रैम UFS 2.2 स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वैसे कि इस यहाँ पे ये एंड्रॉयड 13 पे बेस्ड है। बाकी यहाँ पे कैमरा की बात की जाए तो 50 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा पीछे की तरफ देखने को मिल जाता है एंड उसके बाद से भाई 2 मेगापिक्सल AI वगैरह चिपका दिए हैं जो कि काम का नहीं है, तो एक ही कैमरा आपका काम के देखने को मिल जाता है एंड फ्रंट में 8 मेगापिक्सल देखने को मिल जाता है। भाई मतलब ऐसा तो मुझे लग रहा है कि भाई ये इन्फिनिक्स का ही फ़ोन है, बस सॉफ्टवेयर चेंज करके लॉन्च कर दिए। मतलब डिज़ाइन भी सिमिलर है भाई, ऑलमोस्ट हर चीज़ सिमिलर देखने को मिल जाता है बस सॉफ्टवेयर के अलावा। बाकी दोस्त यहाँ पर और चीज़ों की बात की जाए तो 5000mAh की बैटरी इसमें देखने को मिल जाती है एंड साथ ही गाइस यहाँ पे 33W का फास्ट चार्जिंग, तो ये भी भाई इन्फिनिक्स हॉट 30 जैसा देखने को मिल जाता है। अब गाइस यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी सेल स्टार्ट होने वाला है 8 तारीख से 8 अक्टूबर से फ्लिपकार्ट पे एंड यहाँ पे गाइस इन्फिनिक्स हॉट 35G आपको 11,500 में देखने को मिल जाएगा 8GB रैम 128GB के साथ में, तो भाई वैल्यू वो थोड़ा ज़्यादा ऐड करते हैं। अगर आपको इन्फिनिक्स पे ट्रस्ट है तो मैं डेफिनेटली वही सजेस्ट करूँगा कि आप बाई कीजिए, 1000 रुपये आपके बच जाएंगे एंड 11,500 में बहुत ही अच्छा यहाँ पर वो डील प्रोवाइड करता है। वैसे ये 12,500 में देखने को मिलेगा बट ठीक है, ये भी फ़ोन वैसे स्टॉक एंड्रॉयड अगर आपको चाहिए तो ये ले सकते हैं। दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट फीचर की बात कर लीजिए, सो गाइस यहाँ पे आपको 5G के बैंड्स देखने को मिल जाते हैं 8, जिसके वजह से गाइस आपको कोई 5G से रिलेटेड इशू देखने को नहीं मिलेगा, काफ़ी मस्ती है परफॉर्म कर लेगा। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी इसमें दे दिए हैं। इस बार लावा ब्लेज जो 2 Pro आया था, लावा ब्लेज 2 बेसिकली, उसमें गाइस प्रॉक्सिमिटी सेंसर देखने को नहीं मिलता था, कॉल आने पर बहुत ही प्रॉब्लम देखने को मिलता था, बट इसमें दे दिए हैं तो इससे आपका एक्सपीरियंस बेटर हो जाएगा कॉलिंग टाइम पे भी। एंड गाइस यहाँ पे जायरोस्कोप भी दे दिए, बाकी गाइस यहाँ पे जल्दी फ़ोन ये हमारे पास आने वाला है। यहाँ पे मैं बेसिकली अभी सिर्फ ये स्पेक्स का वीडियो आपको बता रहा हूँ, ये लावा ब्लेज 2 Pro, लावा ब्लेज प्रो बेसिकली मेरे हाथ में नहीं है, दूसरा फ़ोन है, बट गाइस इसको मैंने आप समझिए कि बुक कर दिया हूँ, जल्दी मेरे पास आएगा, उसके बाद से उसकी सारी डिटेल में वीडियो देखने को मिल जाएगी। अब दोस्त यहाँ पे बात करते हैं तो इसका वेट 203 ग्राम का अप्रॉक्स देखने को मिल जाता है एंड 8.96mm का थिकनेस देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा आपको मोटा देखने को मिलेगा। एंड गाइस पोको M6 Pro अगर आपने देखा होगा गाइस तो मतलब उतना ही बड़ा आपको ऑलमोस्ट इसका भी डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, तो ये ही एक चीज़ इसमें मुझे अच्छी नहीं लगी, बहुत ही बड़ा डिस्प्ले है भाई, जो मतलब बड़ा डिस्प्ले यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए सही है, बट भाई एक हाथ से यूज़ करने में बहुत ही दिक्कत आएगी, तो ये एक बात हो जाती है। बाकी टेम्पर ग्लास का ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया। अब दोस्त यहाँ पे बात करते हैं परफॉर्मेंस के लिए प्रोसेसर के बारे में, सो गाइस इसमें मिलता है डायमेंसिटी का 6020 प्रोसेसर है ये, और ये भी गाइस एग्जैक्टली सिमिलर ही देखने को मिलता है इन्फिनिक्स हॉट 30 जैसा, मतलब सभी चीज़ें आपको इन्फिनिक्स हॉट 30 जैसा देखने को मिलता है एंड फर्स्ट सेल में इन्फिनिक्स हॉट 30 का प्राइस भी 12,500 ही था, तो मतलब क्या ही कहा जाए भाई, बिल्कुल ही कॉपी किए हैं लावा वाले एंड प्राइस वगैरह सभी चीज़ें,
वैसे कि इस यहाँ पे बस सॉफ्टवेयर की वजह से ये लेने का सेंस बन जाता है, नहीं तो इन्फिनिक्स भी वैसे अच्छा एक्सपीरियंस ओवरऑल प्रोवाइड कर देता है। सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत आपको स्मूथनेस कम फील होगा इन्फिनिक्स के फ़ोन्स में। भाई किस यहाँ पे आप बात करते हैं इस फ़ोन को लेना चाहिए या नहीं, तो जो इसमें डायमेंसिटी का 6020 प्रोसेसर देखने को मिलता है वो गाइस काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, एंड इसको आप डायमेंसिटी 700 मान सकते हैं। उसी को ये बेसिकली रिब्रांड करके नया प्रोसेसर लॉन्च किए। तो ओवरऑल गाइस यहाँ पे फ्री फायर आप मस्त गेमिंग प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप BGMI प्ले करना चाहते हैं तो वो 40 FPS मैक्स सपोर्ट करेगा, ओके। एंड यहाँ पे जायरो सेंसर दे दिया गया है इस प्राइस रेंज में, तो ये एक अच्छी चीज़ देखने को मिल जाती है। जो थोड़ा बहुत जायरो यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको उतना ज़्यादा स्मूथ देखने को नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल ये गाइस फ़ोन एक आपको अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। सो दोस्त फिलहाल वीडियो में इतना ही, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।